देखो यार, सीधी सी बात है। अगर आप एक नया गिटार खरीद रहे हैं जिसमें सुर ही गलत लग रहे हैं तो बेकार 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 है, वापस कर दो या छोड़ दो उसे, जान दो। और को भी मत देना ऐसे गिफ्ट, उसको ही बुरा लगेगा। क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि आपने उसको ऐसा गिटार दिया है तो नॉट गुड माई फ्रेंड, नहीं करना चाहिए ऐसा। मैंने ऐसा एक गिटार खरीदा था, ये जुरैस का JRZ38C, पता नहीं कौन सा अपडेट है, लेकिन ये अभी भी अमेजोन में अवेलेबल है, जिसका अभी प्राइस थोड़ा बढ़ भी गया है। जब मैंने खरीदा था ये 1700 का खरीदा था मैंने, और तब शायद ऑफर चल रहा था कुछ, और हमने दोनों गिटार खरीदे थे, मतलब दोनों दोनों का कट गया। हाँ, ये खरीदा था हमने। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इतना ख़राब था तो हमने लौटा क्यों नहीं दिया, है ना? तो शुरू शुरू में तो पता नहीं चला हमें, क्योंकि ये पहले के जो फ्रेट्स हैं, अगर आप इनमें बजाओगे तो आवाज़ ठीक आएगी। जैसे कि एक सेकेंड, बी माइनर, सी, फिर से जी, एफ, माइनर। अभी तो इसकी साउंड क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इसका नेक भी थोड़ा बेंड हो गया है, क्योंकि इसमें ट्रस रॉड नहीं है। उसमें मैं कुछ देर बाद आऊँगा। पर या ये जो सुर हैं इसके, ये पहले से ही ढीले थे, उसके वजह से जब मैं कोई गाना बजाऊँ, जैसे कि मितवा मितवा का इंट्रो जो है, मैं बजाऊँगा इसको, सुन लें आप। ऐसे सुनाई देता है, और जब मैं इसको एक अच्छे गिटार में बजाऊं तो वो जैसा है वैसा ही सुनाई देगा। तो क्योंकि इसमें बैलेंस्ड ही नहीं है नोट, ये जो फ्रेट का डिफरेंस है वो भी शायद नाप के बनाते नहीं है, या बस ट्रस रॉड के वजह से, या नेक बैंड हो जाता है, पता नहीं। लेकिन जो भी है, ये बेसुरे होते हैं। और ये चेक करने के लिए आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वोकल पिच मॉनिटर। इसको यूज करके आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं डी स्ट्रिंग बजाऊंगा। अब इसको मैं थोड़ा स्लो करके इसको मैं बजा के इसमें रिकॉर्ड करूंगा, फिर आपकी स्क्रीन में ये आएगा। देखिए, इसको येलो लाइन है, ये डिनोट करता है जो मैंने प्ले किया उस नोट को, और जो व्हाइट लाइंस हैं वो एक एक सेमी टोन्स करके आगे ऊपर बढ़ते जाते हैं। और आप देखेंगे जैसे हम फोर्थ या फिफ्थ फ्रेट के आगे जाते हैं तो वो नोट जो है येलो लाइन वो नीचे होता जाता है। सॉरी, करेक्शन, वो जो येलो लाइन है वो व्हाइट लाइन के ऊपर होता जाता है धीरे धीरे। तो वो बेसुरा होता जाता है। और जब मैं वही सेम चीज़ एक अच्छे गिटार में बजाता हूँ, लास्ट फ्रेट तक भी वो बैलेंस रहता है टोन। मतलब सुर में रहता है। तो आप देख लो, अब गाना तो बजा नहीं सकोगे इससे। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें ट्रस रॉड भी नहीं होता, जिसके वजह से ये जो नेक है वो धीरे धीरे बैंड होता जाएगा, विच मीन्स इसमें इसका जो लाइफ है गिटार का वो बहुत छोटा रहेगा। अभी तो इसको 3 साल हो चुके हैं, और मैं इसको अनट्यून करके भी रखता हूँ, ढीला करके रखता हूँ स्ट्रिंग्स को, ताकि बैंड ना हो जल्दी। लेकिन फिर भी यार, जो क्वालिटी है अभी, इससे परफॉर्म तो नहीं कर सकते ना। मूविंग ऑन, ट्यूनिंग कीज। अब इसके जो ट्यूनिंग कीज हैं ये भी धीरे धीरे, ई का तो ठीक रहता है, नीचे के बहुत टाइट हो जाते हैं। जबकि आप अगर टाइट, जब आप ट्यूनिंग कर रहे होंगे तब आपको ऐसा लगेगा जैसे यार इतना टाइट क्यों है, ऐसी शक्ल बन जाती है जब आप ऐसे ट्यून करते हो। तो मैंने बस 1700 का खरीदा था, लेकिन 5000 के अंदर भी ऐसे कई गिटार आते हैं,
तो उस गिटार से बच के रहिए, और ये जो ट्रस रॉड है और टोन बैलेंस ये सब माइंड में रख के खरीदना गिटार। वीडियो खत्म होने से पहले मैं बस ये बताना चाहता था कि ये जो गिटार है सागा का, ये मैं अभी अपने वीडियोस में यूज़ करता हूँ और मुझे तो बहुत पसंद है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस एक्चुअली पसंद है मुझे ये। इफ़ यू वॉन्ट टू चेक आउट दिस गिटार आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन प्राइस के साथ। और यार वीडियो अच्छी लगे तो दोस्त के साथ शेयर कर लो जिसको इस नॉलेज की ज़रूरत हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।